यहाँ शहर है पता तुम्हें? तो भाई जिसको ना कोई पहाड़ मत समझना, ये पहाड़ नहीं है ये ना। ओ भाई देख रहे हो फोटो वाले भैया ने, देखो भाई देख रहे हो भाई सबको जल्दी रहती है आज के टाइम। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK व्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। गाइज एक बार फिर तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए प्यारा सा व्लॉग करने के लिए आ गया है। गाइज अपने भाई को बस ऐसे सपोर्ट करते रहो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए प्यारे प्यारे व्लॉग लाते रहेगा। चलते हैं सीधा राइड पे, बाकी बातें करेंगे आपसे हम बाइक पे। भाई व्लॉग के शुरू में ही रॉन्ग साइड जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा गलती से आगे चला गया था पर मेरे को इस कट में अंदर जाना था। चलो भाई, भाई रोड है ना एक नंबर का लगता है मेरे को, एक नंबर का। मतलब बंदा ना यहाँ पे स्टंट वगैरह कुछ भी कर सकता है आराम से, तुम चौड़ा रोड, खुला रोड, साफ रोड। पर यार मुझे तो स्टंट आते ही नहीं, मैं क्या करूँगा इस रोड का। पर यार करने का तो बहुत मन करता है मेरे को स्टंट, पर मेरे को स्टंट आते नहीं है यार। मैं कोशिश भी बहुत करता हूँ करने की पर मेरे से होता ही नहीं। मैंने अगर धक्का दो नॉर्मल राइड करो अपने कुछ लो। तो गाइस मैंने मीटर के लिए बोलता ना, मीटर मैंने अभी तक इसका ठीक नहीं करवाया भाई, टाइम नहीं मिल पाता यार मेरे को, काम ही इतने होते हैं ना कि क्या बताऊँ, गाड़ी को टाइम ही नहीं मिल पाता गाड़ी में कुछ काम कराने के लिए। कोई नहीं, करते हैं इसका भी जुगाड़ कुछ ना कुछ। देख रहे हो भाई सबको जल्दी रहती है आज के टाइम में सबको, बस मुझे छोड़ के। ओके ब्रो, ऑटो वाले भैया ने देखो भाई देखो अब तो वो भग गया भाई, अब काहे को रुक रहा है। चलो भाई राइड पे थोड़ी सी हाइपर हो जाते हैं अब भाई। गाड़ी का मीटर ख़राब हो ना तो गाड़ी चलाने में सच में मज़ा नहीं आता, पता ही नहीं लगता गाड़ी हम चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, गाड़ी में कुछ हो या ना हो पर इसका मीटर तो ज़रूरी ठीक होना चाहिए। और ये काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा है, मैंने इसको सही नहीं करवाया भाई। अब मैं तो उसको अगले ब्लॉग में ना सच में सही कराऊँगा, इस मीटर को मैं सच में सही कराऊँगा भाई। मुझे भी रुकना, कहीं मेरे को ना पकड़ लें यार, थोड़ा सा साइड में पकड़ देता हूँ। वो देखो बच गया अभी गिरता। तो गाइस ये वही रोड है जहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग क्रिएट किया था, उस टाइम सलमान भी था अपने साथ, पर अब तो भाई कोई आता ही नहीं शायद साथ में, किसी को टाइम ही नहीं होता। और आज मेरे को भी कोई काम वाम नहीं है, आज मैं सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए ही आया हूँ, व्लॉग बनाऊँगा प्यारा सा। और चलो भाई ये रोड कुछ जैन वैन सा तो हो ही गया है, रोड का मज़ा लेते हैं कुछ। तक देखो भाई, बस गाड़ी की हालत देखो तुम, मैंने ना इसको भी धुलवाया तक नहीं है। और भाई ऐसा नहीं कि मैं अपनी गाड़ी को हमेशा ऐसे ही रखता हूँ, बस मेरे को ना अभी कुछ टाइम वाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं इसीलिए अपनी गाड़ी में कुछ कर नहीं पा रहा। नहीं भाई अपनी गाड़ी को ना मैं बॉम्ब बना के रखता हूँ हमेशा। और इसकी जो मेन चीज़ थी ना भाई मरघाट, वो मैंने तो लगा दिया क्योंकि भाई उससे ना बहुत कीचड़ उछलती थी, पूरा इंजन गंदा हो जाता था, कपड़ों पर भी ऊपर छीट आती थी, इसलिए सबसे पहले मैंने इसका मरघाट डलवा दिया। बाकी देखो नेक्स्ट व्लॉग में इसको मैं सच में ही एकदम साफ़ सुथरा करके लेके आऊँगा। और भाई कभी कभी तो ऐसा भी तो टाइम होता है तो पैसे नहीं होते, पैसा होता तो टाइम नहीं होता, इसीलिए मेरी गाड़ी हमेशा ऐसी रह जाती है। थोड़ा सा फुटपाथ के मज़े ले रहा हूँ मैं। ओ भाई साहब रॉन्ग साइड आ रहे हो, मैं एंटर करवाओगे क्या? ब्लॉक करने के लिए ना तुम्हारा भाई लेट आया आज, देख रहे हो जाम हो गया भाई, 6 तो बज ही गए होंगे, सबकी छुट्टी का टाइम है, अब तो जाम ही जाम लगेगा रोडों पर, पहले आना चाहिए था मेरे को थोड़ा सा। कोई बात नहीं, जाम में तभी तो मज़ा है, बिना जाम के तो कोई सीन ही नहीं है। ट्रैफिक में भी हाइपर होकर चलते हैं भाई एकदम। बहुत ही बढ़िया ग्रीन लाइट हो गई भाई, जान दो पहले से। फ्लाई
कुछ ठीक करवाओ या ना करवाओ, इसका मीटर तो ठीक जल्दी ही करवाओ। और ये देखो भाई, ऐसे ऐसे बंदे मिल जाते हैं ना, पीछे देखते ना, इधर देखते ना, उधर देखते ना, इधर थूक देते हैं, चाहे किसी का मुंह पे जाए, ऊपर बाइक पे जाए, किसी पे भी जाए। क्या ही बोले यार इन बंदों से भी। चलो भाई हाइपर हाइपर खेलते हैं, हाइपर हाइपर है ना। हाइपर हाइपर उतरेगी फौज, करेगी मौज। फ्लाईओवर पे ना भाई बंपिंग बहुत है, बंपिंग है, देखो ये देखो, थोड़ा दूर चलेंगे कि बंपिंग आएंगे, वो भी दो दो इकट्ठी बंपिंग लगा रखी है। ओ भाई देख रहे हो, ऐसे ऐसे बंदे यार, इनकी वजह से ना कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है कुछ कहीं। भाई गाड़ी एकदम, मेरा दिल ना अभी तक धक 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 कर रहा है। राइट साइड वाला बंदा तो खुल के चलाएगा कि मैं राइट साइड पर जा रहा हूँ, अब अचानक से कोई रॉन्ग साइड आ जाएगा तो उसमें क्या ही कर सकता है बंदा, है ना। पहले यार यहाँ से अच्छा खासा टर्न हो जाता था, बंद कर दिया, पर मैं क्यों खड़ा हूँ यार रेड लाइट पे, मुझे तो यू टर्न लेना है ना। यू टर्न लेते हैं और तेज जाते हैं। भाई साहब क्या जाम लग रहा है आगे, खतरनाक यार। इस फुटपाथ पे कोई पैदल चल ही नहीं रहा, तो उससे बड़े अपनी बाइक चला के इसका फ़ायदा उठाओ ना, नीचे जाम लग रहा है, ऊपर ही चढ़ाओ और तेज जाओ। नहीं भाई क्या सीन है यहाँ पे, कुछ तो समझ में आया नहीं, पर जाम पूरा पूरा लगा हुआ था। कोई नहीं, अपन निकलते हैं अपनी छनिया को नचाते हुए। सीन देख रहे हो क्या सीन है यहाँ पे, कितने सारे कबूतर बैठे हुए हैं यार। तो भाई तुम्हारा भाई राइड करते करते थोड़ा सा रुक गया और ये सीन थोड़ा सा अच्छा लगा था, तो मैं यहीं पे रुक गया। देख रहे हो भाई कितने सारे कबूतर हैं यहाँ पे, इनको दाना डालो, पानी पिलाओ। गाड़ी की लुक चेक करो भाई, साउंड खतरनाक ही लग रही है, साउंड भी प्यारा लग रहा, लगा रखा बंदे ने गाड़ी में। ओ ले यार, अकेले राइड करने का ना मज़ा नहीं आता यार, पर मेरे पास ग्रुप भी है, पर कभी किसी को टाइम होता है नहीं होता भाई, तो करना पड़ता है अकेले ब्लॉग पर। अकेले राइड करने में ना कोई मज़ा नहीं आता, जब तक साथ में चार बंदे ना हो ना कोई मज़ा नहीं आता। पर कोई नहीं, जब तक नहीं है तब तक तो अकेले ब्लॉग करता हूँ, एक दिन ग्रुप राइडिंग करेंगे। तो भाई ग्रुप राइडिंग करने के लिए ना एक ही दिन बेस्ट है, वो भी संडे। संडे को भाई रोड खाली, सब कुछ एकदम जैनमेंट रहता है, राइड करो मजे लो। तो गाइस मिलता हूँ मैं अभी थोड़ी देर ना, कोई पहाड़ मत समझना, ये पहाड़ नहीं है, ये ना कूड़े का ढेर है, जो कॉलोनी का कूड़ा होता है ना वहाँ सारा कूड़ा ला के ना यहीं फेंक देते हैं ना यहाँ पर, कि भाई पहाड़ लगता है देखने में पूरा। कहते ना भाई कूड़ा इतना डालो कि चार लोग बोलें कूड़ेदान नहीं पहाड़ है, वही सिस्टम हो गया है यहाँ का भी। देख रहे हो भाई पूरा मिल बना रखा है यहाँ पे कचरे का, यहाँ से ट्रक जाते हैं अंदर और फेंक के नीचे। बहुत देर हो गई यार इस जाम में चलते चलते, यार कब खत्म होगा यार ये जाम में, तो परेशान हो गया यार। होपलेस कर देते हैं यार बंदे आगे पीछे होके, भाई इतना जाम है ना यहाँ पे यार, क्या ही बताऊँ, मेरे को तो रात हो जाएगी व्लॉग करते करते, व्लॉग बन ही नहीं पाएगा मेरे को तो लग रहा है। भाई फाइनली जाम से पीछा छूट गया और अब एकदम प्यारा रोड आने वाला है, जो दिलो जान से प्यारा है, ऐसे ठीक लगता है खाली खाली रोड में चलते रहो। ऐसी जगह पर ना ये गाड़ियाँ सामने आके ना मज़ा ख़राब कर देती हैं यार पूरा। तो भाई तो गाइस ये वो रोड है जहाँ पर मैंने अपना सेकंड व्लॉग क्रिएट किया था, मैंने इसी व्लॉग में आपको दोनों रूट्स दिखा दिए हैं। अब अगर किसी ने नहीं देखे होंगे तो जाकर अभी चेक कर लो वो व्लॉग भी कैसे बने हैं, लाइक कमेंट शेयर कर देना।
ओ भाई गाय, उस दिन झाड़ बीच में आ गए थे, आज गाय बीच में खड़ी हुई है। देख रहे हो भाई, बीच में घूम रही है एकदम। यही है भाई वो रूट, यहीं पे मिलेंगे। यहाँ तो भाई जिंदा ऑफ रोड है। आता वहां तो पहुंच गया, पर ये तो यहाँ पे है ही नहीं। फोन करता हूँ मैं, एक मिनट इनको। यार ये तो व्यस्त जा रहा है। गाइस व्लॉग करते करते तुम्हारा भाई आ गया कुछ इस ऐसी जगह पे जंगल में। वाह भाई, भाई जंगल में गाड़ी चलाने में एक अलग ही वाइब आती है यार। ये रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा है, इसे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ से चलते हैं। ओ भाई इसकी बहन, कैड़ा ही जंगल है भाई। भाई बारिश और हो रही होती ना यहाँ पे, भाई अलग ही मज़ा आ जाता फिर तो। हर जंगल में कहीं ना कहीं जाके रोड तो मिलता ही मिलता है भाई। जंगल से पहाड़ी से तो अपनों को वैसे ही बहुत लगाव रहता है यार। मेरे घर के पास भी ना काफ़ी बड़ी पहाड़ी है, पर यार वो पहाड़ी ना बंद कर दिया है। वहाँ पे ना आर्मी वाले आ गए, उन्होंने पूरी पहाड़ी बंद कर दिया। जिंदा जंगल में घुस चुका तुम्हारा भाई एकदम अकेला। दूर दूर तक बस पहाड़ी ही पहाड़ी और कुछ भी नहीं। भाई कौन कौन ऐसे अकेले जंगल में घुस जाता है बिना कुछ सोचे समझे, कमेंट में बताओ। पूरे जंगल में एक बाइक दिखी है मेरे को बस। वैसे ही जंगल तो नॉर्मल ही है, बंदे आते जाते रहते हैं यहाँ पे, पर इसके इसके आगे जाके थोड़ा सा दूर भाई ऐसा जंगल है ना, वहाँ पे तो भाई कुछ पूछो ही मत। ऐसा लगता है जैसे साउथ अफ्रीका में घुस गए हो, एकदम घने घने पेड़, रोडों को ना ऐसे घेर रखा है ना पेड़ों ने बहुत। भाई गाड़ी का लुक देखो भाई कैसा कर रखा है इसने, गोल्डी ब्रांड नाम है इसका। बस की बहन की पत्थरों में घुस गया था तो बोलते बोलते हैं। अबे मैंने सोचा जंगल में आ गया तो जंगल का भी एक ब्लॉग बना दूं, है ना, मैं घुस ही आया फिर अंदर क्या है। हाँ गाड़ी चीनो गाड़ी। अबे छोड़ना, सब जानते तू भाई है। अबे सब जानते तू भाई है, है? सब जानते हो उसे भी। गाड़ी का लुक क्या लगता है वैन से, बाहर से देखने में गोल्डन ही गोल्डन। और आईफोन है क्या, दिख गई हो? यहीं देखूंगा भाई मैं, भाई ने आईफोन लिया हमारे ने गजबी। और ले बाइक पे पीछे बैठे बैठे भी इंस्टाग्राम को तो भाई सभी कीड़े हैं, बाइक पे बैठे बैठे, कार में बैठे बैठे, चलन दो बस। सेल्फी नहीं रहा बाबा, तू यहाँ से आ रहे पता तुम्हें, दो यार देखो दिख गया नहीं दिखा, कोई बात नहीं मत देखो। उड़ा दू क्या बताओ, आगे आगे चल, रास्ता नहीं मालूम मुझे। गाड़ी की लुक चेक करो गाइस आप,
गोल्डन गोल्डन अलाइवल कर रखे ना, अलग ही प्यारी लगती है देखने में। शेर आ गया शेर क्या रहा, शेर आ गया शेर। पर आ भी सकता है, अगर हम ज़्यादा अंदर घने जंगल में जाएंगे ना तो आ भी सकता है, पर यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पब्लिक घूमती रहती है पूरे दिन। ये लगता है कुछ जंगल टाइप के, हाँ भाई जंगल में आ गए, अलग ही फील है जंगल का यहाँ पर। तो तुम्हारा भाई वापस जा रहा घर की तरफ, गाइज अगर आपको सही सा जंगल का व्लॉग चाहिए ना तो इस वीडियो पे आप कमेंट करना, काफी सारी कमेंट करना, मैं आपको एक जंगल के का राइड दूंगा भाई।